डे वन से पहले दिन से उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र रचने का काम किया कि एक गरीब बस्ती पिछड़ा का बेटा बिहार में अगर राजनीतिक हैसियत से उसका बड़ा हो जाएगा तो इसके पीछे हमको घूमना पड़ेगा। चार पार्टी मिलाकर सरकार को बहुमत मिला। अगर एक पार्टी भी अगर पीछे हट जाता तो शायद सरकार नहीं बनता। ऐसी जनता ने समर्थन दिया। अगर चार वीआईपी का अगर सहयोग नहीं मिलता तो 121 पे रह जाता और 121 पे सरकार नहीं बनता, क्योंकि 122 पे सरकार बनेगा। और हम लोगों ने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ रहा और सरकार बनाया। उस समय में हमारे पास बहुत ऑफर आया कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपके चारों विधायक को मंत्री बना देंगे, राज्यपाल कोटा से एमएलसी होने वाला है, 12 को एमएलसी होगा, उसमें 6 को आप ले लीजिएगा और 6 को मांझी जी ले लेंगे। तो बहुत हमको ऑफर दिया, लेकिन हम निषाद के बेटा खुददार होते हैं और अपने हक अधिकार के अलावा ज्यादा हम नहीं मांगना चाहते हैं। और हमें लगा कि नहीं, ईमानदारी भी बहुत कुछ होता है और ईमानदारी से चलना चाहिए। दुनिया में लोग आएंगे, लोग लालच देंगे, वो भी लोभ लालच नहीं था, वो आपका हिस्सा था, वो आपको लोभ लालच नहीं दे रहा था, वो आपको हिस्सा दे रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, हम जहाँ हैं वहीं पर उतना ही हिस्से में हम राज्य को चलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। और हमने सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद डे वन से पहले दिन से उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र रचने का काम किया कि एक गरीब बस्ती पिछड़ा का बेटा बिहार में अगर राजनीतिक हैसियत से उसका बड़ा हो जाएगा तो इसके पीछे हमको घूमना पड़ेगा। अभी इसको 11 हिस्सा दिए, आने वाले समय में 21 देना पड़ेगा और उसके बाद 51 देना पड़ेगा। उसी समय से उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया कि आप हमारे साथ पार्टी विलय कर लो। हमने कहा भैया, हम पार्टी बनाए हैं, पेड़ लगाए हैं, हम अपने समाज को बल खिलाना चाहते हैं, अपने हक अधिकार को लेना चाहते हैं, हम पार्टी कैसे विलय कर लेंगे और आपके कहने से हम कैसे चलेंगे? आप बोलो उठो हम उठेंगे और आप बोलोगे बैठो तो हम बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज तक 75 साल बीत गया, हमारा समाज कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, आप लोगों के पीछे पीछे घूमते रहा, इसलिए आज हमारे समाज का आज दशा इस तरीके से है। और हमने उनके बात नहीं माना और हमने लड़ने का काम करने का काम किया। तो पहले उन्होंने चला के किया कि जो 6 साल का एमएलसी होता है वो 6 साल का एमएलसी नहीं देके 15 महीने का एमएलसी दिया, ताकि उनको लगा कि इसको 15 महीने में ठीक कर लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ज्यादा इनको परेशान करेंगे तो 4 विधायक लेके साइड हो जाएगा, हमारा सरकार गिर जाएगा। फिर उन्होंने समय का इंतजार करने लगा, बंगाल में चुनाव के बाद सोचा हम कुछ करेंगे, तो बंगाल में उनको बता दिया, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को साफ कर दिया। फिर उनके पास समय नहीं बचा, फिर उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे फिर कुछ करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीता। आज हमें बनाए हुए पेड़ को उन्होंने काटने का काम किया है। आज हम लोगों का मान सम्मान अधिकार सब चीजों ने उन्होंने हनन कर लिया। आज हमारे प्रत्याशी को, विधायक को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हमें तो लोग कहते हैं कि 100-100 करोड़ रुपया में आपके विधायक को खर्चा है, हमें तो पता नहीं कि कितने में खरीदे हैं, लेकिन इन लोगों ने के पास इतना ताकत है कि आपने जिसको बनाया, आपने जिस में पौधे लगाया, जिसको खून पसीना से सींचा, आज उसको कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए उन्होंने किया। भैया हम क्या मांग रहे हैं? हम तो बोल रहे भैया हमारा जो आरक्षण है देश में, जो संविधान में लिखा है वो हमें आरक्षण दे दो। हम अभी अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया हमारे अति पिछड़ा में बहुत सारी जाति को आपने जोड़ा, उसके लिए आपने कोटा नहीं भराया। अभी 35% अति पिछड़ा है, इसको 35% आप आरक्षण दो, 15% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को लग रहा है कि निषाद समाज मुकेश सहनी आगे निकल रहा है और कल ये लोग बिहार में कब्जा करेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। आज हमारा चलिए मेला मेला आएंगे, मेला आते हैं, मेला आज हमारी लड़ाई है दिल्ली सरकार से।
क्योंकि हमारा आरक्षण जो है दिल्ली से होना है। हर पार्टी का सोच होता है कि हम अपनी पार्टी को विस्तार करें। हमने भी निर्णय लिया कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में विस्तार करेंगे, झारखंड में करेंगे। हमारे पास ताकत होगा, हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो हम अपनी बात से मनाएंगे। जिस तरीके से बिहार में हमारी उद्योग से सरकार बना, आज बहुत सारा योजना हम अपने समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए मैं आज योजना में चला रहा था। आज कहीं ना कहीं ये लोग को परेशानी हुआ और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ ये किया। आज एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिटिंग सीट था, हमारे मुसाफिर पासवान जी यहाँ पे जीते थे और वो उसका स्वर्गवास होने के बाद ये सीट खाली हुआ। ये सीट हमारा था, यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती प्रत्याशी उतार दिए। फिर हमने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आप भी लड़िए, जनता के बीच में जाइए और हम भी जनता के बीच में जाएंगे। दोस्ताना संघर्ष करते हैं, आज जनता को निर्णय लेने दीजिए। और उन्होंने प्रत्याशी दिया तो हमने भी अपने प्रत्याशी दिया। एक तो आरजेडी वाला हमारे प्रत्याशी को लेकर भाग गए, उसके बाद हमारे अभिभावक रमेश राम जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप हमें लड़ाइए। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा इतने बड़े नेता हमारे पास आए तो हमने इनके ऊपर लड़ने का, इनके सुपुत्री गीता डॉक्टर गीता जी को हमने प्रत्याशी बनाया और मैदान में लड़ने के लिए आया। और उसने फिर क्या किया, जब हम उससे झुके नहीं तो उन्होंने क्या किया, दूसरे रोज हमारे तीन विधायक को अपने पार्टी में मिला लिया, आज हमें जीरो कर दिया। आज हमें बोलता कि आप इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पे। अरे भैया, ये सरकार हमारा है, ये सरकार हम बनाए। अगर हम उस समय लेटर नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शपथ नहीं ले पाता और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये सरकार हमारा है और ये सरकार हमारा, और हमको बोले इस्तीफा दो, हमारे वजह से तुम्हारे 30-35 गो विधायक मंत्री बना और फिर हमको तुम कह रहे हो। ये हमारी सरकार है, तुमको बर्खास्त करना तो कर दो, हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और उसके बाद पूरा का पूरा सरकार आप भंग कर लो, सरकार भंग कर लो, फिर से जाइए राष्ट्रपति जी के पास, राज्यपाल महोदय के पास समर्थन दीजिए, फिर सरकार बना लीजिए। मुकेश सहनी को जरूरी नहीं है कि आपके पीछे जाएंगे, लेकिन ये सरकार तो हमने बनाया ना, आप हमें कैसे बोल सकते हो। आज मान लीजिए एक मेरा विधायक दूसरे के पास जाता तो आप बोलते कि आपका विधायक दूसरे जगह भाग गया। अरे भाग नहीं गया, आपने तो खरीद लिया मेरे विधायक को लोग लालच देके। और आपके पास मान लो कि आज विधायक को कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, उनका डेथ हो जाता, तो क्या मैं, मेरा उससे क्या लेना देना था। आज बिहार में बहुत सारे विधायक का डेथ हुआ, कहा हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए या कोई डिप्टी सीएम को बोला हमने इस्तीफा दीजिए। तो आज कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को परेशान कर रहा।